अटैक, खबरें सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में, मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच हुई मुलाकात। जयंत चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आए और अखिलेश यादव के साथ 2.5 घंटे की उनकी एक मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन, सीटों के बंटवारे और दोनों पार्टियां कौन कौन सी सीटें लड़ेंगी, इसे लेकर व्यापक चर्चा हुई। हालांकि उम्मीद ये थी कि आज कोई ना कोई ऐलान हो जाएगा कि कुल कितनी सीटें समाजवादी पार्टी उस इलाके में लड़ेगी और आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन आज भी ये ऐलान नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की और उस ट्वीट में यह बताया कि दोनों के बीच बातचीत सही दिशा में, लेकिन आखिर वो दिशा क्या है? दरअसल दोनों के बीच गठबंधन तय है, सिर्फ इतना ही तय है, लेकिन सीटों के बीच का जो जिच है वो अभी भी बना हुआ है। सूत्रों की माने तो पिछली मीटिंग में अखिलेश यादव ने जो आखिरी सीट बताई थी वो 28 सीटें, लेकिन जयंत चौधरी 28 सीटों के लिए तैयार नहीं थे और बात फिर उसके आगे बढ़ी है। बात इस बारे में भी आगे बढ़ी है कि दोनों लोग अपने उम्मीदवार दोनों दलों से लड़ाएं, और इसमें जो बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार, चर्चा है कि तकरीबन 6 लोग आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि आरएलडी के 2 लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अगर 28 सीट अखिलेश यादव दे रहे हैं तो 8 सीटें ऐसी होंगी जिसमें से 6 उम्मीदवार अखिलेश यादव के हो सकते हैं जो कि आरएलडी पर होंगे, और 2 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो आरएलडी के होंगे, सपा से लड़ेंगे, और ये कुल आंकड़ा 36 पहुंचता है। ये चर्चा पार्टी के भीतर भी बहुत तेज रही कि जयंत चौधरी के लिए 30 से कम सीटें लेना या 3 दर्जन से कम सीटें लेना उनके लिए नुकसानदायक है। और आपको बता दें कि सूत्र की माने तो अखिलेश यादव 28 सीटों पर अड़े थे, जबकि आखिरी सीट के तौर पर जयंत चौधरी ने 40 की मांग रखी थी, यानी 40 और 28 के बीच का यह आंकड़ा था। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में बहुत कुछ तय हुआ है और दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि जो पश्चिम का कॉम्बिनेशन है जाट और मुस्लिम का, कम से कम सीटों के बंटवारे में ऐसा हो कि इन दोनों जातियों की जो खटास रही है वो खटास न पनपने पाए। साथ साथ कुछ सीटों पर यह भी मानकर चला जा रहा है कि आरएलडी किन किन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाएगी। माना यह जा रहा है कि 8 से 10 सीटें, कम से कम 6 से 8 और ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार आरएलडी उतार सकती है, और कुछ सीटें तो लगभग तय हैं, जिसमें बागपत सदर की सीट है, कहा यह जा रहा है कि जो बुलंदशहर की सदर सीट है वो, सयाना की सीट है, ऐसी सीटों पर आरएलडी मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन चेहरे वो होंगे जो कि कहीं ना कहीं पुराने आरएलडी के लोग या पुराने गठबंधन के दौरान जिनकी कोई खटास कभी किसी कम्युनिटी से नहीं रही हो, ऐसे चेहरों को उतारने की कोशिश होगी। तो इन दोनों के बीच एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ टिकट बंटवारे और टिकट के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा है, लेकिन आज भी इस बात का कोई नतीजा सामने नहीं आया आधिकारिक तौर पर कि आखिर आरएलडी को समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें मिल रही हैं। सूत्रों की माने तो ये 32 से 36 के बीच का कोई आंकड़ा होगा। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये सीटें 36 हो सकती हैं, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 6 होंगे। इसलिए अगर एक आंकड़ा माना जाए तो 30 सीटें आरएलडी की और 6 ऐसी सीटें जो आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी की हो सकती है। तो यह था इस गठबंधन पर जो दोनों के बीच से निकल कर आई हुई बातें हैं यूपी तक के लिए।